दोस्तों पनामा नहर जो मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है, ये नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, जहां से हर साल 15,000 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि जब ये नहर बनी थी तब यहां से करीब 1,000 जहाज गुजरा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्व और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट जाती है, नहीं तो जहाजों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता, इसमें करीब 2 हफ्ते लग जाते। लेकिन अब जहाज इस दूरी को 10 से 12 घंटे में ही पूरी कर लेते हैं। पनामा नहर मीठे पानी की झील गाटून से होकर गुजरती है, जिसका जल स्तर समुद्र से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में यहाँ जहाजों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें जहाजों को पहले प्रवेश कराया जाता है और फिर पानी भरकर उन्हें ऊपर उठाया जाता है, ताकि वो इस झील से होकर गुजर सके। यह दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहाँ किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है।